अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे जो कमेंट्स हैं वो मुझे ये भी आ रहे हैं, जो मेरे बहन भाई हैं वो ये कहते हैं कि आप जो है वो एक ही ड्रेस में बहुत सारी वीडियोस बना लेती हैं। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं एक ही ड्रेस में इतनी ज़्यादा वीडियो जो है वो क्यों बनाती हूँ। तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी जॉब है, तो एक सिर्फ एक संडे का दिन होता है जो मेरे लिए फ्री होता है, और मैंने ये काम भी करना होता है, घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं। तो इसीलिए हम आउटिंग के लिए भी यानी कि संडे वाले दिन ही बाहर आते हैं, तो इसीलिए बहुत सारी जो वीडियोस है वो मैं एक ही ड्रेस में बना लेती हूँ, एक ही ड्रेस में शूट करती हूँ उन्हें। तो यही वजह है कि यानी कि संडे के दिन जो है वो हम सारी शूट कर लेते हैं। तो इसीलिए जो है मैंने सोचा कि अपने बहन भाइयों को ये भी जवाब दे दूँ, क्योंकि अक्सर जो है वो मेरे बहन भाई मुझसे ये सवाल करते रहते हैं। अगर हम मॉर्निंग वॉक पे भी सुबह सुबह चले जाते हैं तो गांव के नज़दीक जो खेत हैं, ज़मीनें हैं, तो उनमें भी जाकर थोड़ा सा हम यानी कि कोई भी ब्लॉग बना लेते हैं। इसीलिए फिर जो वो ड्रेस होता है तो मैं उस पर ज़्यादा गौर नहीं करती। तो बस जो चीज़ें आपने ज़्यादा सवाल किए थे इसीलिए मैंने सोचा कि आप एंड है, और जो गर्मी है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अब देखेंगे कि गांव में जो हमारी यानी कि गर्मियों के जो दिन हैं वो कैसे गुजरते हैं। माशाल्लाह से जो सर्दियों के दिन हैं वो तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे गुजरे हैं। तो गर्मियों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थीं वो तो हमने परचेज़ कर ली हैं, उनकी भी आपको वीडियो जो है वो हम ज़रूर दिखाएंगे। फ्रिज जो ज़्यादा ज़रूरी होती है, इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है घर में है गर्मियों के लिए ख़ास तौर पर, तो वो हमने परचेज़ कर ली है। उसकी भी वीडियो जो है वो मैं अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जो बाकी जो चीज़ें थीं ज़्यादा होती है गर्मी में यानी कि फ्रिज की ज़रूरत, और दूसरी होती है हवा की। बिजली का शेड्यूल है वो क्या है, लोड शेडिंग ज़्यादा होती है या कम होती है। जहाँ पर हम सिटी में रहते थे वहाँ तो नहीं होती थी, तो वहाँ पर जो एसी का इंतज़ाम जो था वो है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर जो है पहले हम देखेंगे कि बिजली का जो शेड्यूल है वो कैसा है। अगर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हुई तो फिर सोलर सिस्टम लगवाएंगे, तो उसके साथ फिर हम एयर कूलर का इंतज़ाम कर लेंगे ताकि जो गर्मी है वो हमें। जहाँ मैं खड़ी हूँ वो बहुत ही पुरअमन जगह है, पीसफुल है, और यहाँ से जो रोड है वो बहुत ही यानी कि काफ़ी दूर है। और ज़्यादा जो यहाँ पर मज़े की बात वो ये है कि यहाँ पर बिल्कुल भी शोर नहीं है, इंसान यानी कि आराम से इंजॉय कर सकता है। भाइयों से ये मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि उन्हें कौन सी जो है वो लाइफ अच्छी लगती है, शहरी ज़िंदगी या फिर देहाती ज़िंदगी। अगर उनकी देहाती ज़िंदगी यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो वो क्यों लगती है, वो अपनी राय भी ज़रूर दें, रीज़न उसकी बताएं। यहाँ का ये जो आपको जो भी हम वीडियोज़ यानी कि बना रहे होते हैं व्लॉग अपने, उसमें हम यानी पीसफुल जो है वो आपको ये जगह दिखा रहे होते हैं, और ये फूल होते हैं, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी इसमें होती है। अगर आपको शहरी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो वो क्यों लगती है, तो उसकी भी आप रीज़न जो है वो ज़रूर बताएं हमें, कमेंट्स बॉक्स पर अपनी राय जो है वो ज़रूर दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, और जो नए हैं हमारे चैनल पर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।